दिल से कह रही हो ना? सच कह रही हो? मेरा मतलब तुम्हें इस शादी पे कोई इतराज नहीं? भैया आपकी खुशी के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। शादी तो एक बहुत मामूली सी बात है। तुम्हें तो हमारी जान है, फखर है तुम पे, अपनी तरबियत पे फखर है। उनके मुराद बहुत अच्छा लड़का है, जिस तरह अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखता है और जिस तरह अपने खून के रिश्तों से मुखलिस है। तो हमें लगा कि अपनी बीवी और उससे जुड़े हुए रिश्तों से भी बहुत प्यार करेगा, इज्जत करेगा। बस ये वजह थी कि हमने मुराद के रिश्ते को दूसरे रिश्तों पर मुकद्दम रखा। भैया आपने कुछ सोच कर ही मुराद का इंतखाब किया होगा मेरे लिए। आई ट्रस्ट यू। जीती रहो। अच्छा भाई, ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने आए थे। क्या ये अम्मी जान का जोड़ा जो उन्होंने अपनी शादी पे पहना था, तुमने तस्वीरों में देखा होगा। जी हमारी ख्वाहिश थी कि ये जोड़ा हमारी बेटी है अपनी शादी पे पहने। भैया ये तो बहुत भारी है। पुरानी तर्ज का है तो मतलब जहां वही इतनी बातें मानी है वही खुशी के लिए ये भी मान लो। ठीक है मैं यही जोड़ा पहनूंगी। ठीक है वो वलीमे के लिए तुम कोई और जोड़ा, मेरा मतलब कोई और ड्रेस बनवा लेना। बल्कि हम उस मुराद को कहेंगे कि वो अभी से वो वलीमे के लिए एक ड्रेस बनवा ले तुम्हारी पसंद के मुताबिक, जो आज के फैशन का हो। ठीक ठीक है। जीती रहो, आबाद रहो। दिल हारा तुझ पे, दिल हारा मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। दिल हारा 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 दिल हारा। सॉरी जरा सी देर हो गई। जरा सी नहीं, काफी देर हो गई। तुम्हें शॉपिंग करा के ढेर सारे काम करने मैंने, पर अम्मी ने इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी है सुबह सुबह। तू इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? वैसे भी 11 बजे से पहले मॉल थोड़ी खुलते हैं। अच्छा देखो, पहले मेरी शॉपिंग करेंगे, फिर जो अम्मी ने लिस्ट दी है उसको भी देख लेंगे। और जल्दी जल्दी की रटपट लगाना मुझे, आराम से शॉपिंग प्लीज। वैसे इतनी सर्दी तो नहीं? सर्दी नहीं, लुक है मेरी। दास्ता कह गई दिल हाँ।
अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम मुराद, मेरी आज रात को दुबई की फ्लाइट है, कुछ टाइम था सोचा शॉपिंग कर लूं। तुम यहाँ? मैं बस। मुराद। हाँ। ये देखो, ये कैसा लग रहा है कलर? अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। मुझे क्या पसंद है, पहनना तुमने है। जो मर्जी ले लो यार। आई थिंक वहाँ और भी कलर्स हैं। चलो ना आओ, ये देखो यहाँ पे कितने सारे कलर्स हैं। मुझे लग रहा है ये ग्रीन वाला, ये टू मच तो नहीं है? नहीं नहीं। मुराद मान गया? जी जी मान गए। आसानी से? आसानी से तो खैर नहीं माने, अम्मी ने अपने सर पे हाथ रख के कसम दिलवाई थी कि आइंदा उस अजरा का नाम ना आए जबान पे, फिर मान गए, फिर कैसे नहीं मानते। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कॉम्प्रोमाइज का। हाउ इज योर बर्गर? बहुत अच्छा। ट्राई दिस ना, आई गिव यू अ बाइट, हैव इट। हाउ इज इट? हेलो सब अरेंज्ड है, फिकर करने की बात नहीं है चौधरी साहब। मेरे भाई वो जो सिचुएशन देखकर गए हैं ना, सारे पोल खुलने लगे हैं मेरे। ओ यार कोई बात नहीं, ऐसे ही भाई अपने बंदे हैं, संभालने ही। अल्लाह ही खैर करे। वेरी नाइस। जाएंगे अभी? हाँ प्लीज ना, मेरे साथ भी चलना। कम सिट। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, किधर? अभी तक शॉपिंग नहीं खत्म हुई तुम्हारी? नहीं बस आ रहे हैं थोड़ी देर में भाभी। भाई आप पूछ रहे हैं तुम्हारा? अच्छा सुनो सुनो सुनो, शॉपिंग बैग्स ना गाड़ी में छोड़ देना, बाद में निकाल लेंगे, किसी को ये नहीं पता ना कि मुराद के साथ शॉपिंग पे गई हो। ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या खा रही हो, दिखाओ। देखो अब हमें ना चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, शाम होती है अम्मी की कॉल आना शुरू हो जाएंगी। अगर डायरेक्टली उन्हें ऑफिस में कॉल करेंगे तो यार उन्हें पता चल जाएगा मैं शॉर्ट लीव लेके बाहर निकला हूँ। तो कोई बात नहीं ना, बैठो, बोल देना कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए बाहर निकले हो यार। हरगिज़ नहीं यार, देखो तुमने जो खरीदना तुम अजरा के साथ जाके खरीद लो ना। नहीं क्योंकि मुझे तुमसे शेयर करना है, फिर डिसाइड करना है कंसल्ट करके कि मैं क्या। देखो मंगा सारी चीजें हमारी मर्जी से नहीं हुई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाभी की भी तो कॉल्स आ रही है तुम्हें। तो मैंने तो उन्हें बता दिया एंड शी इज ओके विद इट। यार अम्मी की कॉल आना शुरू होगी, मैं चलता, तुम आ जाना ना प्लीज। बाय मुराद।